हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो साल की फर्स्ट नाइट हो चुकी है, अब तो गुड इवनिंग हो चुकी है। इस गुड इवनिंग को हम मेरे साथ गुजारिए। चलो इसी बात पे आपके साथ एक शायरी तो बनती है ना, नए साल की शुरुआत एक शायरी से होगी तो क्या बात होगी। तो दिल थाम के बैठिए, सुनिए। शायरी कुछ ऐसी है कि सोचा किसी अपने से बात करें, किसी अपने खास को याद करें। किया जो फैसला नए साल की शुभकामनाएं देने का, दिल ने कहा क्यों ना आपसे बात करें। सो गाइस, मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बस खुश रहिए, जहां भी रहिए एक नए साल को एक अच्छी सी शुरुआत कीजिए। इसीलिए और आज भी पढ़ना है, ये नहीं कि अब पार्टी करने चले जाओगे। 31st को पार्टी हो चुकी है। तो इसी के साथ अभी मैं श्वेता, आई वेलकम यू ऑल ऑन द वेदिकन यूट्यूब चैनल विद वोकैब विद स्वैग। अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज फिर से हम कलरफुल इडियम्स करने वाले हैं। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए और सब अपने नए साल की शाम को मेरे साथ गुजार सके। सो पहले है, यहाँ पे हम शुरू करते हैं। पहले हमारे पास है पिंक ऑफ कंडीशन। अब देखो पिंक कलर किसके लिए आता है, लड़कियों के लिए। और लड़कियां क्या होती है, अच्छी मेरी तरह, तो पिंक जो कलर है वो काफी अच्छा है। अब इन पिंक ऑफ कंडीशन, नए साल की शुरुआत में पिंक ऑफ कंडीशन आ जाती है हमारे पास, यानी हम आराम से चिल कर रहे हैं अपने कमरे में बैठ के, हम आराम से अपनी जिंदगी काट रहे हैं, दैट इज पिंक ऑफ कंडीशन। चाय की चुस्की ले सकते हैं आप साथ के साथ, ठीक है। तो पिंक ऑफ कंडीशन का मीनिंग क्या है कि आराम की हालत में ना वेरी गुड हेल्थ, ठीक है। सारे जिंदगी के मौज हम लुटा रहे हैं, हम पार्टी भी कर रहे हैं, हम एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ के साथ वो क्या बिचवाई के साथ पढ़ रहे हैं। तो इन पिंक ऑफ कंडीशन का मीनिंग क्या होगा, इन अ वेरी गुड हेल्थ। सो मीनिंग क्या है, इन ए वेरी गुड हेल्थ, दैट इज पिंक ऑफ पिंक ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो लड़कियों से याद कर लेना, गर्ल्स पिंक कलर गर्ल्स को पसंद है। और गर्ल्स कैसी होती है, अच्छी सी होती है, प्यारी सी होती है, पापा के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। तो इन अ वेरी गुड हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है टू थ्री रेड। आप कहोगे कि आप न्यू ईयर पे ये कैसा ले आए, तो न्यू ईयर पे है बट पढ़ना तो है ना। तो टू सी रेड का मीनिंग क्या है कि आप क्या कर रहे हो, एक गुस्से से देख रहे हो, यानी रेड कलर क्या शो करता है, एंगर को शो करता है। और इन द रेड का मतलब क्या होगा, टू सी रेड, इन द रेड एक फ्रेज और यूज किया मैंने, इन द रेड, और दूसरा किया हमने टू सी रेड। इन द रेड का मीनिंग क्या होगा, इन ट्रबल पोजिशन। नेक्स्ट है टू सी रेड का मीनिंग क्या होगा कि कोई ना कोई आपको गुस्से से देख रहा है, बच के जनाब, कुछ भी हो सकता है। तो टू सी रेड का मीनिंग क्या है कि हम लोग इसमें है, कोई सामने वाला बंदा हमें कैसे देख रहा है, एंग्रीली देख रहा है, बहुत गुस्से से देख रहा है। तो मीनिंग क्या हुआ, टू सी विद एंग्री आई। टू सी रेड का मीनिंग क्या है, टू सी विद एंग्री आई, ठीक है। तो ये हमारा लाल कलर जो शो करेगा एंगर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बियॉन्ड द पेल, यानी आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, यानी जो कॉमन स्टैंडर्ड्स होते हैं ना उनसे परे कोई बात कर जाए। पेल का कलर किसको शो करता है, येलो कलर को। तो अब पेल बियॉन्ड द पेल, यानी जो कॉमनली कलर होता है उससे हम परे बात कर रहे हैं, यानी आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, कि हमने एक फिक्स कर दिया, एक स्टैंडर्ड होता है। अब मान लो हमारे मार्क्स आ गए, मार्क्स में 100 है तो 80% हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। लेकिन अगर हम बियॉन्ड द पेल चले गए, यानी उस स्टैंडर्ड से आउटसाइड चले गए, तो मीनिंग क्या हुआ, आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। बियॉन्ड द पेल का मीनिंग क्या होगा, आउटसाइड कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, दैट इज हमारा क्या होगा, बियॉन्ड द पेल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद देखो गोल्डन हैंडशेक, ये भी कुछ अगर मैं बात करूं, कोई लास्ट को 31st को रिटायर हो रहा है और उस 31st को रिटायर होगा, तो हम उसको उसके साथ एक गोल्डन हैंडशेक करेंगे। एक गोल्डन हैंडशेक कैसे करेंगे कि हम उसके रिटायरमेंट पे उसे एक सोने का कुछ दान कर रहे हैं, हम हैंडशेक कर रहे हैं उसके साथ, यानी वो 31st पे हम उसे क्या दे देंगे, अ गोल्डन हैंडशेक, यानी एक हम उसे बड़ा सम देंगे, अ लार्ज अमाउंट देंगे उसके रिटायरमेंट पे। तो अ गोल्डन हैंडशेक का मीनिंग क्या हुआ, अ लार्ज सम गिवन ऑन रिटायरमेंट। सो मीनिंग क्या है, अ लार्ज सम
given on retirement, that is a golden handshake. So, ये जो handshake होता है काफी अच्छा होता है, जब आप retire होगे तब आपको ये feel होगा. उसके बाद देखो, paint the town red. Fifth idiom, ये कहोगे आप, ये आइए ना हमारे मतलब की बात. Paint the town red का meaning क्या होगा? हालांकि red color danger को show करता है, but खुशी में हम red color से ही सब कुछ करते हैं. तो paint the town red का meaning क्या होगा कि अब 31st है तो first है तो हम क्या करेंगे, party करेंगे, celebrate करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम सारे town को red color का paint कर देंगे. So meaning क्या होगा, to celebrate. तो paint the town red का meaning क्या है, to celebrate. Next देखो, in the pink. Yes, in the pink जो मैंने पहले idiom कराई थी, pink of condition. In the pink और pink of condition का meaning क्या है, same है. यानी उसमें भी हम अच्छी हेल्थ कंडीशन में थे, अच्छी हेल्थ थी हमारे पास, और अभी भी क्या है हमारे पास, एक गुड कंडीशन है. पिंक कलर इज गुड. सो मीनिंग क्या होगा, इन अ गुड कंडीशन. ठीक है, तो इन द पिंक और पिंक ऑफ कंडीशन दोनों क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट देखो, आप हालांकि इससे वाकिफ हो, इस एडियम से देखो, बोर्न विद अ सिल्वर स्पून. सिल्वर स्पून के साथ अगर कोई पैदा होता है तो क्या होगा भाई, एक वेल्दी फैमिली में पैदा होगा, उसके पास सब कुछ है, उसके पास दौलत भी है, उसके पास शोहरत भी है, और माँ तो है ही, पैदा तो अभी हुआ है, तो क्या है, बोर्न विद अ सिल्वर स्पून का मीनिंग क्या है कि आराम से एक अच्छी सी फैमिली में पैदा होना, यानी टू बोर्न इन अ वेरी गुड, या फिर हम बोल सकते हैं अ वेल्दी फैमिली. सो मीनिंग क्या है, बोर्न विद अ सिल्वर स्पून का मीनिंग क्या है, टू बोर्न इन अ वेल्दी फैमिली. In a wealthy family, that is born with a silver spoon. देखो next पर देखो, next है grey area. अब grey area थोड़ा सा shabby सा होता है, यानी white एकदम clear होगा, उसके ऊपर क्या आ जाए, grey आ जाए, यानी उसमें कुछ ना कुछ problem होगी. तो ये ग्रे एरिया क्या है, हम सबका एक वीक पॉइंट है, जो हमारे अंदर जो कमी होगी. अगर मैं बात करूं, चलो पेंटिंग ही उठा ले, अगर मैं अपनी पेंटिंग की बात करूं तो मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, तो क्या बोलूंगी मैं, पेंटिंग इज अ ग्रे एरिया फॉर मी. यानी मेरा क्या है, वो एक वीक पॉइंट है, जहां पे मैं क्या नहीं हूं, जहां पे मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, दैट इज अ ग्रे एरिया. ग्रे एरिया मीनिंग क्या होगा, वीक पॉइंट, यानी वो हमारा क्या है, एक वीक पॉइंट है. अब नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास द गोल्डन रूल. सो ये रूल अगर मैं आपको दे दूं तो आप अपनी लाइफ को आसानी से, आराम से बिता सकते हो. तो द गोल्डन रूल का मीनिंग क्या होगा, कि एक ऐसा रूल जो पूरे रूल ऑफ कंडक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ कंडक्ट, यानी वो रूल सबसे ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं. तो तभी तो उसको हमने बोला है अ गोल्डन रूल, वरना रूल तो बहुत सारे और जिसे हमें तोड़ने का शौक है, लेकिन हम गोल्डन रूल को नहीं तोड़ सकते. तो मीनिंग क्या होगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ कंडक्ट. ठीक है, उसके बाद देखो ग्रे सेल्स. आजकल ग्रे कलर भी काफी चल रहा है, पहले हमें क्या, ग्रे एरिया यानी वो हमारा वीक पॉइंट होगा. नेक्स्ट है ग्रे सेल्स. अब वीक पॉइंट क्या है, हमारी दिमागी प्रॉब्लम है, वीक वगैरह कुछ नहीं होता, सब कुछ हमारे माइंड ऑफ फ्रेम है जिसके अकॉर्डिंग चलता है. ठीक है, अगर मैं पेंटिंग सीख लूँ तो मेरी अच्छी हो जाएगी. तो ऐसे ही ग्रे सेल्स क्या होंगे, वो सेल्स जिससे हमारा सब कुछ, से पूरा सिस्टम, हमारी बॉडी का सिस्टम चलता है, तो वो क्या है, दैट इज ब्रेन. सो ग्रे सेल्स का मीनिंग क्या होगा, ब्रेन. अब मैं किसी को कहूँ यूज योर ग्रे सेल्स इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, यानी अपने दिमाग का यूज करो भाई इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए. मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमें ग्रे सेल्स की जरूरत होती है, यानी हमें ब्रेन की जरूरत होती है. इंग्लिश तो मैं हंसते हंसते सिखा दूंगी आपको. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एन ओल्ड फ्लेम. एन ओल्ड फ्लेम का मीनिंग क्या है, ये जिनका दिल टूट चुका है उनके लिए काफी फेमस है ये idiom. देखो एन ओल्ड फ्लेम का मीनिंग क्या है, आपका पुराना प्यार, आपको पुराना प्यार याद आ जाए, दैट इज एन ओल्ड फ्लेम. यानी ये क्या थी, पुरानी बीती बात थी, यानी वंस फॉर्मर लव, उसका पहला प्यार, वंस फॉर्मर लव. सो कोई बात नहीं, नया साल आ गया, नया दोबारा से जुड़ जाएगा. अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास अ पिंक स्लिप. गाइस पिंक कलर तो था अच्छे के लिए, लेकिन अगर आपको एक पिंक स्लिप मिल जाए ना,
तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब पिंक स्लिप क्या होती है, सोच के देखिए क्या हो सकता है पिंक स्लिप, मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप लोग पिंक स्लिप क्या होता है। सो चलो मैं बताती हूँ अभी तो पिंक स्लिप का मीनिंग क्या है। अगर आपको एक पिंक स्लिप मिल जाए तो आपके लिए बहुत खतरा है। अगर आप जॉब कर रहे हो और उसके दौरान आपको एक पिंक स्लिप मिल जाए, यानी टर्मिनेट हो चुके हो, यानी ये क्या होगा, एक नोटिस होगा टर्मिनेशन का किसी एम्प्लॉय का। तो एक पिंक स्लिप क्या है, अ नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ अ एम्प्लॉय ऑफ अ एम्प्लॉय। सो वो होगा हमारे पास अ पिंक स्लिप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है येलो बैलेट। अब येलो अगर किसी का कलर है तो हम बोलते हैं उसे जॉन्डिस है, लेकिन अगर उसकी बैली येलो कलर की है तो यानी वो बंदा जो है या कोई भी पर्सन है वो क्या है, बहुत ज्यादा डरपोक है। तो येलो बैली किसको शो करेगा, एक डरपोक इंसान को, यानी भाई योर बैली इज येलो, यानी येलो बैलेट यानी कॉवर्ड क्या है, बहुत ज्यादा डरपोक है, दैट इज येलो बैलेट। सो लास्ट सेकेंड देखो, रेड कार्पेट। अब क्या हुआ है, न्यू ईयर पे सभी रेस्टोरेंट्स वालों ने या होटल वालों ने क्या किया है, सबको इनवाइट किया है, या फिर अवार्ड शोज हुए हैं, कुछ भी हुआ है, वट एवर इज देयर, उन पे क्या होती है, सामने एक रेड कारपेट बिछी होती है। वो रेड कारपेट किस लिए शो करती है, एक वार्म वेलकम के लिए। तो रेड कारपेट का मीनिंग क्या हुआ, अ वार्म वेलकम, दैट इज रेड कारपेट। अब देखो लास्ट एडियम है शॉट इन द डार्क मत करना, यानी अंधेरे में निशानेबाजी, क्या पता किसी को लग जाए। तो शॉट इन द डार्क का मीनिंग क्या है कि एक चांस है, बस हम ट्राई कर रहे हैं, क्या पता सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो एग्जाम में शॉट इन द डार्क मत खेलना, क्योंकि एक नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग अगर हो गई तो आपके जो पॉजिटिव मार्क्स थे वो भी नेगेटिव में काउंट हो जाएंगे। सो शॉर्ट इन द डार्क का मीनिंग क्या है, चांस दैट हैज लिटिल चांस ऑफ वर्किंग, अ चांस दैट हैज लिटिल चांस ऑफ वर्किंग, यानी एक ऐसा तुक्का है जिसके बहुत ही कम चांसेस है कि वो क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। तो शॉर्ट इन द डार्क हम बोल सकते हैं, गैस, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी आज की वीडियो, आई होप आपकी न्यू ईयर की शाम अच्छे से गुजरे और आप सब लोग खुश रहो, आपके लिए ये नया साल बहुत अच्छा हो, आपकी फैमिली अच्छी हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आप यूं ही लगे रहो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। सो गाइज इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ, आपने आज की बात मेरी वीडियो देख ली है, नहीं सब कुछ कर लिया है आपने, अब आप आराम से सो सकते हो। सो गाइज मिलते हैं आपसे कल, गुड नाइट।